哎呀，混的！哦嘿！कैसे हैं आप सब, सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूं मुरसलम ब्लॉग्स और आज आया हूं आईफोन के सर्विस सेंटर, डीएलएफ एवेन्यू नहीं, सेलेक्ट सिटी मॉल में मैं आया हूं। मेरे फोन का है कुछ काम, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो आज मैं चेक करूंगा और आपको पता चलेगा कि आईफोन का सर्विस सेंटर यानी एप्पल का सर्विस सेंटर वैल्यूएबल है भी या नहीं। आप अगर आईफोन लेने वाले हो, आईफोन लेने का सोच रहे हो या आईफोन आपको पसंद भी है, कभी भी सर्विस सेंटर के बारे में आप पता ही नहीं करते। आज मेरे फोन में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई मैं दिखाता हूं। मैंने आईफोन लिया था, आप जानते हो 13 प्रो मैक्स है मेरा फोन है, इसके चार्जर में हो गई है प्रॉब्लम। इसकी दो केबल है, एक मेरे 11 प्रो मैक्स की केबल है और एक मेरे 13 प्रो मैक्स की केबल है। पता नहीं क्यों चार्ज नहीं कर रहा। तो ये देख सकते हो, ये दो केबल्स हैं, ये वाली तो थोड़ी कट गई है 11 प्रो मैक्स की, पुरानी वाली ये खराब हो गई है। ये है 13 प्रो मैक्स की केबल, पूरी सही है, ये चार्ज नहीं कर रही मेरे फ़ोन को। क्यों कर रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। इससे आज जाऊँगा अंदर, चेक करूँगा, मेरा अपॉइंटमेंट है अभी 15 मिनट में, अपॉइंटमेंट है मेरा। अंदर जाऊंगा, सर्विस सेंटर वालों का बिहेवियर बताऊंगा आपको और पूरा वर्थ बताऊंगा इसकी, एप्पल के सर्विस सेंटर की वैल्यू है भी या नहीं। तो फटाफट चलते हैं ब्लॉग की तरफ। मैं जो आया हूं वो है एप्पल का ऑफिशियल स्टोर, जैसा कि आप जानते हो पूरी दिल्ली में सिर्फ एक ही स्टोर है। ये दोस्त है मेरा, आज पता चलेगा पर्दाफाश करने वाला हूं मैं, ये काम करते हैं या नहीं करते। आ गए हम मॉल के अंदर, काफी भीड़ है आज क्योंकि न्यू ईयर वगैरह की चीजें चल रही है ना, तो बहुत ज्यादा भीड़ है अंदर। 6:45 का था मेरा अपॉइंटमेंट, 35 तो हो गए, तो सही टाइम पे आए हम। जब भी आप आओ तो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर कराओ, एप्पल स्टोर का बुक कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो आप भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, बहुत इजी है। एप्पल की वेबसाइट पे जाकर उसमें आप सेलेक्ट करना एप्पल साकेत, साकेत में है ये मॉल, और आप आके करवा सकते हो अपना काम। तो ये देखते हो गाइज, ये रहा एप्पल का स्टोर, यहाँ पे आप खरीद वगैरह सकते हो, बट यहीं पर सर्विस सेंटर भी है। ये देखते हो एप्पल का ऑफिशियल सेंटर है, ये चलते हैं अंदर और करवाते हैं अपना काम। गाइज ये वाली जो केबल है देखो, इसको देख सकते हो आप, दिखाइए पास से भाई, ये थोड़ी टूट गई है, तो मुझे लगता है इसका तो कुछ नहीं होगा, ना रिपेयर करेंगे ना कुछ। बट एक बार ऐसे मेरे दुबई वाले सर्विस सेंटर में हुआ था, तो वो हो गया था चेंज कटने के बाद भी। देखते हैं यहाँ पे भी वही वाली करते हैं या नहीं। अगर ये ना भी हो, ये वाली केबल दे सकते हो, पूरी सही है, इसमें कहीं कोई कट वगैरह नहीं है, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एडप्टर बिल्कुल नया है, देखते हैं क्या करते हैं। भीड़ तो वैसे बहुत है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ सैटरडे भी है ना, तो आई थिंक सैटरडे की वजह से भीड़ ज़्यादा है। परेशान हो गया, काफी वेट कर लिया गाइस, हमने अभी तक कोई आया भी नहीं यार। हेलो, एक्चुअली दिस चार्जर इज नॉट वर्किंग, आई थिंक वी पॉसिबली कम विद मी, आई नॉट वर्किंग, दिस केबल इज नॉट वर्किंग। अपॉइंटमेंट हो रखा है क्या? नाम मुरसलान मुनीर से होगा। मुरसलान मुनीर, ठीक हो सकता है, क्या सिलेबस है आपका? अपॉइंटमेंट स्टार्टेड है ऑलरेडी, अब क्या करूँ उसका? आई थिंक इफ यू क्लीन दिस अप। ये हुआ क्या आप बता सकते हैं? कवर नहीं होता, अगर जल गया होता और वारंटी में कवर तब भी नहीं होता। वो वारंटी कितना चार्जेस का लिया था? 1900। वारंटी में भी ये ठीक नहीं होगा ना, फिजिकल डैमेज है ना ये, फिजिकल डैमेज। गाइस अभी इन्होंने हमारे 2 घंटे ख़राब कर दिए, क्या करने के लिए एंड में बताऊँ क्या बोल रहे हैं? कह रहे नहीं हो सकता रिपेयर। मैंने बोला अच्छा क्या रीज़न है, क्या नहीं हो सकता? कह रहे हैं आपका फ़ोन वारंटी में है। मैंने कहा हाँ वारंटी में है, फोन वारंटी में, बिल सब दिखाया, पड़ा हुआ था बॉक्स वगैरह, अडेप्टर वगैरह सब लेकर आया। कहना कि आपकी केबल ख़राब है, केबल में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा तो आपका काम बनता है वारंटी के तौर पर, आप मुझे नई केबल दो। चलो नई केबल नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मेरे को नई की कोई लालच नहीं है, मुझे पुराना तो रिपेयर करके दो। कह रहे नहीं रिपेयर नहीं होता है, पे वारंटी हो या कुछ भी हो, फिजिकल डैमेज को हम कवर नहीं करते। अभी तो भाई फ़ायदा क्या हुआ वारंटी का, मुझे आप ये बताओ गाइस। गाइस कसम से कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी कि आज एप्पल का अपना ऑफिशियल है तो मतलब ये ढंग का काम करेंगे, कुछ मजाक सर के कह रहा हूँ उनकी कुछ वैल्यू नहीं है भाई। फ़ोन लेने वक्त तो सर ले लो, सर ले लो, सर 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 इतना सर करते हैं ना, मत पूछो, और जब मदद आई तो तुम भाड़ में जाओ। तो भाई तुम इतने बड़ी कंपनी हो, एक तुम वारंटी में चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे। भाई मेरे वारंटी में आईफोन ये रहा, आईफोन 13 प्रो मैक्स है अभी, इसको 11 महीने हुए, 1 महीने की पूरी वारंटी बची है। अगर वारंटी नहीं होती ना तो ये बहाना बनाते हैं कि वारंटी में नहीं है तो इसलिए नहीं हो सकता, तो मैं समझता भी, बट अब कह रहे हैं कि भाई वारंटी में तो है बट नहीं हो सकता कवर। क्यों? क्योंकि भाई फिजिकल डैमेज है। भाई फिजिकल डैमेज ही तो होगी और कैसे हो सकता है खराब चार्जर। भाई वीडियो शूट भी नहीं करने दे रहे थे कि हाँ भाई कैमरा, वीडियो शूट करने के लिए तो पागल हो गए, वीडियो शूट नहीं करने दे रहे, कह रहे इट्स नॉट अलाउड। मैंने कहा किसी को नहीं दे रहे, वी आर जस्ट मेक शोइंग आवरसेल्फ इन द वीडियो। कह रहे नहीं किसी को नहीं दिखा सकते, वीडियो में अलाउड ही नहीं है। भाई ये क्या बात हुई, कितनी छुप छुप के तुमने वीडियो बनाई है केवल। भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है जरा बता, कौन सी फिजिकल डैमेज है, कहाँ से कुछ कटा है, कहाँ से कुछ पटा है, कुछ भी नहीं, बट बना दो, कुछ ही बना दो बात।
भाई मुझे नहीं लगता है किसी का भी रिपेयर होता होगा भाई, अगर आप आईफोन लेने वाले हो कसम से कह रहा हूँ भाई, 1 लाख का 50,000 का 40,000 का आईफोन लोगे ना, ये डिस्काउंट पे दे रहे हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं दे रहे अभी कुछ, बाहर नहीं रहते भाई हम इंडिया में रहते हैं, कह रहे हैं इंडिया की पॉलिसीज अलग है, फॉरन की पॉलिसीज अलग है, दुबई में मैं खुद करवा चुका हूँ चेंज भाई, आराम से चेंज होता है दुबई में और यूके में, इज्जत मिलती है आईफोन यूजर्स को, एंड्रॉइड भाई एंड्रॉइड ही है इंडिया के लिए भाई, इंडिया में मत लो, मजाक सर के कह रहा हूँ 40,000 में ऐसा एंड्रॉइड आ जाएगा ना मजा आ जाएगा, हर चीज़ में पैसा चाहिए बस इनको आईफोन वालों को लूटो गाइस, कसम से कह रहा हूँ एप्पल की कोई वैल्यू नहीं, ये रहा मेरा आईफोन है ना, ये रहा फोन ये ओ भाई मेरा आईफोन, काम वाम तो करो कुछ, बहुत डिसअपॉइंट हूँ गाइस, मजाक से हटके कह रहा हूँ, आप आईफोन लेने वाले का सोच रहे हो ना भाई मत लेना आईफोन, या तो आईफोन ले रहे हो ना तो हर 3 महीने में 10-12,000 रुपए खर्चा, चार्जर पता कितने के दे रहे हैं वो केबल, 2,500 रुपए की केबल दे रहे हैं भाई, 2,500 का तो एंड्रॉइड फोन आ जाता है, 2,500 की तुम केबल दे रहे हो यार, हद कर दी भाई, ये ले यार फेंक, ये रहा आपका प्रिय आईफोन, ये रहा ये बुक मेरा लास्ट मास में डब्बे में, तो डब्बे में छोड़ यार खत्म कर वीडियो, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है, बट इतना ही मैं बताऊंगा आईफोन मत लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी तुम्हारा पैसा है, बस भाई खत्म कर दे वीडियो।